नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट HD प्लस का। ये इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च हुआ लेटेस्ट स्मार्टफोन है और इस फोन के अंदर बजट के अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट हमारा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले बॉक्स दिखा देते हैं आप लोगों को। बॉक्स इन्फिनिक्स के दूसरे डिवाइसेस जैसा ही बॉक्स है। पीछे में कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बॉक्स में यहाँ पे प्राइस कोटेड है 7,999 रुपीज, लेकिन मार्केट पे ये आप लोगों को 5,999 रुपीज में मिल जाएगा। और इसके अंदर में आप लोगों को 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बॉक्स कंटेंट्स क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स में फर्स्ट में ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021, और इसको चलिए साइड में रखते हैं और उसके बाद बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर देखेंगे एक छोटा सा ट्रैवल एडाप्टर मिल जाता है और इसका जो पावर रेटिंग है चलिए देख लेते हैं। 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर का यहाँ पर पावर आउटपुट दिया गया है। साथ ही में एक माइक्रो USB केबल आप लोगों को मिल जाता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी का एकदम माइक्रो USB केबल है। और उसके बाद आपको मिलेगा एक हार्ड TPU केस, ठीक ठाक सा क्वालिटी है यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम हार्ड प्लास्टिक वाला कवर है। और उसके बाद आप लोगों को एक्स क्लब और यूज़र गाइड वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है जिसकी मदद से आप फर्स्ट डे से अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों बॉक्स को हम लोग हटा देते हैं और उसके बाद हमारे फ़ोन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो ये है हमारा इन्फिनिक्स का स्मार्ट HD 2021। फ्रंट में देख सकते हैं स्टिकर लगाया गया है, चलिए इसको हटा लेते हैं। और हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन देखने में कैसा लग रहा है। बैक साइड देख सकते हैं ग्लॉसी प्लास्टिक से बनाया गया है और उसके ऊपर कुछ पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वी शेप वाले पैटर्न दिख रहा है। और प्लास्टिक बैक होने के बाद भी डिज़ाइन ऐसा है कि बहुत कुछ प्लास्टिक ही नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत प्रीमियम भी यहाँ पर लग रहा है। हाथ में पकड़ते हुए आपको उतना ख़राब नहीं लगेगा। और छोटा सा फ़ोन है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं है, 6.1 इंच का ही डिस्प्ले है यहाँ पर, तो हाथ में कॉम्पैक्ट भी रहेगा, इजीली आप इसको कैरी भी कर पाएंगे। और यहाँ पे फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड में देख सकते हैं आप लोग वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन यहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड बिल्कुल ही खाली है। टॉप में देख सकते हैं यहाँ पे, टॉप में आप लोगों को 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा। बॉटम की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट और यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग आप लोगों को मिल जाएगा। कैमरा बम्प आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक सिंगल कैमरा आपको मिल जाता है। ये दूसरा कैमरा जैसा लगता है लेकिन ये कैमरा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि AI कैमरा। और उसके साथ में आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 6,000 रुपये के बजट में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, जो बहुत सारे इस रेंज के डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले जो कि 6.1 इंच का है। साथ में आपको एक फ्रंट LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। ईयरपीस भी सामने दिया गया है और चिन थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे देखने को लगता है, क्योंकि बजट सीरीज़ का फ़ोन है तो यहाँ पर ये थोड़े कंप्रोमाइज आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डिवाइस देखने में काफ़ी कूल सा लग रहा है। चलिए फटाफट सेटअप कर लेते हैं फ़ोन को और देख लेते हैं। और इस फ़ोन में आप लोगों को कोई भी सिम इजेक्टर पिन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप लोगों को सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पुराने स्टाइल में बैक को ओपन करना पड़ता है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे नाखून घुसा के ऐसे बैक को ओपन कर सकते हैं। और बैक को ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी हालाँकि सील किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग दो सिम यहाँ पर इस तरफ पे एक सिम, इस तरफ एक सिम, और यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा पाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। माइक्रो USB पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है।
हालांकि रैम और रोम थोड़ा सा कम है, 2 GB की रैम है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि वो अगर अपने बच्चों को ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्सेस नहीं करने देना चाहते, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ हैवी यूज़ उनको नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस वगैरह करना है, 2-3 ऐप ही यूज़ करना है, तो उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे गेम्स भी बहुत अच्छे नहीं चल पाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। चलिए फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे कैसा काम करता है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों को ही सेटअप मैंने कर लिया है, और फ़ोन ऑन हो जाने के बाद हम लोग इसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो दोस्तों फ़ोन का फर्स्ट बूट यहाँ पे हो गया है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं UI कुछ इस तरह से है। एंड्रॉयड गो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, फुल फ्लेज्ड एंड्रॉयड नहीं मिलता है। तो अबाउट फ़ोन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं XOS का 6.2.0 के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप लोगों को एंड्रॉयड 10 गो के ऊपर मिल जाता है। हालांकि फुल फ्लेज्ड यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि मोस्टली जो फुल ऐप्स है वो आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड्रॉयड गो इसलिए यूज़ किया गया है ताकि फ़ोन का यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत स्मूथ बनाया जा सकता है, क्योंकि 2 GB की ही रैम है, तो यहाँ पे अगर फुल फ्लेज एंड्रॉयड हो जाता तो बहुत हेवी हो जाता और फ़ोन अच्छे से नहीं चल पाता। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोन को फर्स्ट बूट कर लिया है, और फ़ोन का UI आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। थोड़े ब्लोटवेयर से यहाँ पे प्री इंस्टॉल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फ़ोन का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा MediaTek का Helio A20 प्रोसेसर, साथ में आप लोगों को 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें से 2 सिम स्लॉट है और 1 SD कार्ड स्लॉट आप लोगों को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन के अंदर आप लोगों को इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही में जी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में आप लोगों को 6.1 इंच का एक HD+ ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh का आप लोगों को बैटरी मिल जाता है, और इसी के साथ में फ़ोन के अंदर आप लोगों को DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन के रियर में आप लोगों को 8MP का कैमरा देखने को मिलता है, और कैमरा क्वालिटी चलिए देख लेते हैं। कैमरा क्वालिटी जो है ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे, हालांकि ये जो है लो लाइट कंडीशन है, डे लाइट में फ़ोटो को कैप्चर करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे डिटेलिंग वगैरह कैसा रहता है। फ्रंट कैमरे से भी मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है, तो फ्रंट कैमरे का फ़ोटो क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं। 5MP का कैमरा है तो डिटेल एवरेज सा है, बहुत कुछ खास या बहुत कुछ अच्छा डिटेल तो नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक है, यहाँ पे काम आपका इजीली अच्छे से चल जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट में आपको फ्लैश भी मिल जाता है, तो रात के टाइम में आप फ्रंट में फ्लैश को ऑन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर है, फ्रंट में फ्लैश होने के कारण आप रात में लाइट जला के फोटो वगैरह भी कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट बूट है, ज़्यादा कुछ ऐप मैंने ओपन नहीं किया है, और रैम देख सकते हैं यहाँ पे 1183 MB जो है रैम यूज़ हो रहा है, और बाकी रैम जो है फ्री है, तो थोड़ा बहुत रैम आपको फ्री मिल जाता है, जिससे आप कॉमन टास्क वगैरह कर सकते हैं। स्टोरेज सिनेरियो देख लेते हैं, स्टोरेज में देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको 32 GB मिलता है, और उस स्टोरेज के अंदर आपको 25 GB जो है फ्री मिल जाता है। देख सकते हैं 25.03 GB यहाँ पे फ्री दिखा रहा है। तो फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन की बात करें तो एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी सारे चीज़ें दिए गए हैं जो उनको यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि देखने में आज के डेट में छोटा लगता है, लेकिन काफ़ी एक बड़ा डिस्प्ले है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छी बात है। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जिससे बार बार फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और पास्ट में मैंने इन्फिनिक्स के बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए हैं, इनका बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल का होता है, बहुत ही जल्दी बैटरी ड्रेन यहाँ पे नहीं होता है, तो इजीली 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसकी मदद से फ्रंट कैमरे से आप ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड्रॉयड गो दिया गया है, जिससे फ़ोन का यूज़र इंटरफेस जो है लाइट यूज़र इंटरफेस है, जिससे फ़ोन का यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर को भी मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया था फ़ोन के बूटअप के टाइम में,
तो चलिए फटाफट फिंगरप्रिंट सेंसर को देख लेते हैं। देख सकते हैं फोन जो है अनलॉक हो रहा है टैप करने के बाद, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिली सेकेंड का डिले है, एकदम फास्ट अनलॉक वाला जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एटलीस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर तो आप लोगों को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे डिवाइसेस में आपको नहीं देखने को मिलता है। फेस अनलॉक भी मैंने सेटअप कर लिया है और फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फेस दिखाने के बाद अनलॉक हो जा रहा है, हालांकि एकदम फास्ट इंस्टेंट अनलॉक नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिली सेकेंड का डिले यहाँ पर दिया गया है। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें दोस्तों, 6.1 इंच का यहाँ पे HD+ डिस्प्ले दिया गया है और डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। एक्सट्रीम एंगल से भी देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे डिस्प्ले, थोड़ा सा कलर शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि जो डिस्प्ले कलर्स है वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले कितना क्रिस्प और कितना कलरफुल लग रहा है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, DTS सराउंड साउंड का आपको इफेक्ट मिल जाता है यहाँ पे, और ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस आप काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। चलिए एक ऑडियो प्ले करके आप लोगों को सुना देते हैं। तो दोस्तों ये था Infinix Smart HD 2021, इसका अनबॉक्सिंग और छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। इनिशियल इंप्रेशन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा लगा, कुछ कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका बैक डिज़ाइन, ओवरऑल स्टाइलिंग इसका काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही में यहाँ पे एंड्रॉयड गो का इस्तेमाल से UI जो है काफ़ी स्मूथ बन गया है, जो कि एंड्रॉयड फुल फ्लेज होता तो थोड़ा सा स्लो हो जाता। उसी के साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत देर तक यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर आप लोग अपने बच्चे के लिए कोई फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट अगर बहुत ही कम है तो आप लोग इस फ़ोन के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो एक स्टूडेंट को ज़रूरी हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप घर के किसी सदस्य को ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं जिनका यूजेज उतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है, सिर्फ कॉल्स, वीडियो कॉल्स या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक और उसी के साथ में यूट्यूब वगैरह देखना, तो आप उनको ये फ़ोन गिफ्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी ये फ़ोन काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5999 rupees में आप इसको परचेस कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट में वो ज़रूर बता दीजिए, मैं उन पर काम करना चालू कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।